उपसभापति जी, 29 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए हम आभारी हैं। मैं संसद के उच्च सदन में प्रथम बार सदस्य के रूप में चुनकर आई हूँ। मेरा सदन में बोलने का पहला मौका है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही क्षमा प्रार्थी रहूंगी अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे मौका देने के लिए उपसभापति जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उपसभापति जी, आज मुझे वह दिन याद आ रहा है जब इसी सदन में 11 जून 2014 को हमारी नेता और मार्गदर्शिका स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की आभा निराली है। मैं आज उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी का अभी का अभिभाषण भी निराला है, क्योंकि संसद का सत्र अलग परिस्थितियों और अलग व्यवस्थाओं में हो रहा है। नए साल में हम प्रवेश कर गए हैं। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने वाले हैं और साथ ही साथ कोरोना जैसी भयंकर महामारी से भी सफलतापूर्वक पार पाने में हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में देश की शासन व सत्ता की यात्रा क्या रही, कितने समय तक देश में हमारी सरकार रही, हमारी सरकार और दूसरी सरकारों के कार्यों में क्या अंतर रहा, जिन्होंने अधिक समय तक इस देश में शासन सत्ता का भरपूर आनंद उठाया, उनके क्रियाकलापों और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 6 साल के कार्यकाल में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए, इस पर सटीक विश्लेषण मन से मतभेद मिटाते हुए होना चाहिए। जब हम सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके विश्लेषण की बात करते हैं, तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें सरकार की 6 साल की उपलब्धियाँ। उपसभापति जी, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से देश की 130 करोड़ आबादी को बचाया, उसके लिए मैं विशेष रूप से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी ने न केवल सरकार बल्कि देश की जनता को भी लड़ाई से लड़ने के लिए बराबर का भागीदार बनाया। ताली बजाकर, थाली बजाकर, दिए जलाकर, देश की जनता के साथ जनता की आवाज़ बनकर, देश की जनता के साथ सीधा संवाद करके देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाया कि आपका प्रधान सेवक और उसकी पूरी सरकार इस भयंकर विपदा में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्ष को इसमें भी कहीं ना कहीं बुराई नज़र आती है। प्रधानमंत्री जी के सीधे संवाद और दिशा निर्देशों को देश की जनता ने माना। ये केवल और केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि देश को अपने प्रधानमंत्री की कही गई हर बात पर विश्वास है। देश की जनता को विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री जो कहता है उसको अमली जामा भी पहनाता है। बूढ़े, जवान, बच्चे, हर किसी की जुबान पर आज एक ही बात है कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो हमारे देश का भी वही हशर होता जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों का हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर लॉकडाउन लगाकर अपने देश को बचा लिया। जब पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद विकसित होते हुए भी कोरोना से हताश और निराश थे, उस समय हमारे पास ना कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल थे, ना पीपी किट्स थी, ना वेंटिलेटर्स थे, ना टेस्टिंग कैपेसिटी भी ना के बराबर थी। तब इस परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन लगाकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने देश की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। आज हमारे पास
1600 कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, 40 लाख से ज़्यादा मेडिकेटेड बेड हैं। उस दिन हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 प्रतिदिन थी, आज 15 लाख प्रतिदिन है। उस समय हम एक भी पीपी किट नहीं बनाते थे, आज हमारी सरकार 4.5 लाख पीपी किट बनाकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रही है। उपसभापति जी, देश की जनता प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों और अपने देश के उन वैज्ञानिकों को साधुवाद दे रही है जिनकी कुशलता व मेहनत से हम देश में सस्ती और कारगर वैक्सीन बनाने में सफल हुए। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे थे। कहाँ थे हम हेल्थ सेक्टर में और अब कहाँ हैं? क्या यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उनकी सरकार के कार्यों का लेख करने के लिए काफ़ी नहीं है? जो कई सालों से असंभव था वह हमारी सरकार ने 6 साल में संभव करके दिखाया, इसलिए आज ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कोरोना महामारी के दौरान भी ग्लोबली नंबर 1 हैं। क्या इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? अगर विश्व प्रधानमंत्री जी का लोहा मानता तो हम और आप क्यों नहीं, लेकिन विपक्ष को तो सत्ता सुख स्थारा है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का विरोध करना आता है। अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से प्लीज कंक्लूड करें, विशेष रूप से महिला शक्ति की ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हर आदेश को, हर संदेश को अपने में आत्मसात किया और महिलाओं ने पूरे देश में जिस तरीके से मास्क बना के, जिस तरीके से कोरोना में लोगों की सहायता की, उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन समय कम होने के कारण मैं पुनः जो ये प्रस्ताव हमारी जो ये प्रस्ताव भुवनेश्वर कालता जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।